हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कल के वीडियो में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर बात की थी कि क्यों हम बोर हो जाता है, क्यों हमारा इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है। वहां पे हमने देखा था कि साइकोलॉजिकल क्या रीजंस है हमारा इंटरेस्ट कम होने के या फिर हम बोर होने के। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम बोर हो जाते हैं एंड उसको ओवरकम करने के लिए क्या ट्रिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको और भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा। तो आज जो हम ट्रिक एंड टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग। बहुत बार ये भी होता है कि हमारा जो स्केड्यूल है, हमारा जो कैलेंडर है, वो अगर हमारे प्रीफिल्ड टास्क से भरा हुआ नहीं है, हमारे पास में एक वैक्यूम आ जाता है, एक खाली जगह रह जाती है जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है, हम कंफ्यूज स्टेट में भी चले जाते हैं कभी कभी, एंड उसी की वजह से कुछ समझ में ना आने की वजह से कि क्या करें, किस तरीके से इस समय का इस्तेमाल करें, हमारे पास में कुछ ही चॉइसेस रह जाते हैं। एक तो हम बोर हो जाते हैं, हमारा एक्साइटमेंट कम हो जाता है, दूसरा हम सोशल मीडिया देखने लग जाते हैं और उस तरीके से हम वो टाइम गैप फिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग की, उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपके नेक्स्ट डे का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट डे का आपका गोल क्या है, और सारी चीजों को राइट फ्रॉम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टिल द टाइम यू गो टू बेड, तब तक का आपको सारा का सारा टाइम स्ट्रेटेजिकली ब्लॉक करना है। अभी आप बोलोगे कि अगर मैं सारी चीजें ऐसे टाइम वाइज करने लगूंगा सो इट विल बी लाइक मैकेनिकल, मैं रोबोट की जिंदगी जीऊंगा। बट यहाँ पे आपको अपने जो रिक्रिएशन है, बाकी जो एक्टिविटीज है, उसके लिए भी स्ट्रेटेजिक आप टाइम ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको ये पता रहेगा कि अगर आपको, लेट्स से अगर आपको सोशल मीडिया पे चेक करना है, तो आप दिन में एक पर्टिकुलर से टाइम जो है आपकी सारी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट को टेक केयर करने के बाद में आप उसमें आधा घंटा, एक घंटा, जो भी आपका प्रेफरेंस है उसके हिसाब से एक टाइम ब्लॉक कर सकते हो कि आप उसी टाइम में सोशल मीडिया को देखोगे। तो इससे क्या होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपके पास में सोशल मीडिया अगर चेक करना है आपको, तो आपके पास में ये पता रहेगा कि आपको कौन से टाइम में करना है। एंड उसी के साथ साथ जैसे अगर आप स्टूडेंट है, जॉब में है, या फिर आप बिजनेस में है, तो आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा तैयार रहती है। तो उस प्रायोरिटी लिस्ट को आप दिन के शुरुआत में स्केड्यूल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें खत्म करनी है। यहाँ पे हम टू डू लिस्ट नहीं बना रहे, यहाँ पे हम अपना कैलेंडर ब्लॉक कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक टाइम ब्लॉकिंग कर रहे हैं, जहाँ पे मान के चलो कि सुबह उठने के बाद में सारी सुबह की एक्टिविटीज खत्म होने के बाद में आपने आपका जो नंबर वन प्रायोरिटी पे जो काम है उसके लिए 2 घंटों का एक टाइम ब्लॉक कर दिया है। तो उस 2 घंटों में आपको बस उसी चीज के ऊपर फोकस करना है, उसी चीज के ऊपर काम करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है उसको आप ला सकते हो। और इसमें स्ट्रैटेजिक टाइम ब्लॉकिंग में आपको सारी चीजें डालनी है, आपका लंच भी डालना है, अगर आप स्नैक्स या फिर कुछ बात करनी है, फोन कॉल्स करने हैं, तो वो भी आप इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली ब्लॉक कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक टाइम ब्लॉकिंग करने के बाद में क्या हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वी आर ह्यूमंस, बहुत सारी चीजें आ सकती है, बहुत सारे इंटरप्शंस आपको आ सकते हैं इसमें, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉक से डेविएट हो सकते हो, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज है उसके ऊपर फोकस करना, जो भी इंटरप्शंस आते हैं उसको एनालाइज करना, क्या ये प्रायोरिटी वाला है, अगर हाँ तो क्या ये अभी करना चाहिए या फिर थोड़ी देर के बाद में करना चाहिए, क्या चीजें आप डेलीगेट कर सकते हो और क्या चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप जो भी इंटरप्शन आया है उसको डिलीट कर सकते हो, मना कर सकते हो। की पॉइंट इज गेटिंग अवेयर कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है, उसको प्रायोरिटी के हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना एंड फॉलो करना। और जब जब हम इससे डेविएट होते हैं तो एनालाइज करना, अवेयर होना क्या कारणों की वजह से हम अपने स्ट्रेटेजिक टाइम से डेविएट हुए हैं और आने वाले फ्यूचर में हम उसको कैसे कोर्स करेक्ट कर सकते हैं, आने वाले समय में हम कैसे उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग आवर स्ट्रेटेजिक टाइम। या फिर एक काम और भी हो सकता है कि आपके दिन में ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए भी आप एक टाइम ब्लॉक कर सकते हो, ताकि ऐसी कोई भी चीज आती है तो वो आप चीजें उस टाइम ब्लॉक में करोगे। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, अगर हाँ
तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी फायदा मिल सके स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग का, एंड वो भी फोकस रुके जो भी उनका लक्ष्य है उसकी तरफ काम कर सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सो, और आने वाले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।